नेक्स्ट हेडिंग टेंशन इन ए स्ट्रेस वायर, टेंशन इन ए स्ट्रेस वायर और टेंशन इन ए स्ट्रेस रॉड। ठीक है, तो लेट अ रॉड हाफ लेंथ एल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये आपकी रॉड है ना, ए बी रॉड ले लेते हैं। तो ए बी रॉड इज टाइड बिटवीन टू रिज सपोर्ट एस वन एंड एस टू, इसको एस वन एस टू की बीच में टाइड कर देते हैं। एस वन एस टू आर टू रिजिड सपोर्ट्स, तो बिटवीन दीज टू रिजिड सपोर्ट्स रॉड और वायर इज स्ट्रेस इज टाइड साइड वायर इज स्ट्रेस बिटवीन सपोर्ट एस वन एस टू। ठीक है, तो लेट टेम्परेचर ऑफ द वायर इज टी, वायर का टेम्परेचर कितना है टी है, तो आपका रॉड है एल लेंथ का, इस रॉड को आपने क्या किया बताओ एस वन एस टू सपोर्ट के बीच टाइट करके रख दिया है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना मानते हैं टी, इसका टेम्परेचर कितना टी, मैंने रॉड का एक एंड हमने ए पर फिक्स कर दिया, दूसरा एंड क्या कर दिया बी पर फिक्स कर दिया, जैसे मानते हैं वायर ना, तो एक कोई रॉड जैसे बीम वगैरह होता है ना, बीम डालते हैं तो क्या करते हैं मतलब जैसे मेटलिक रॉड यूज होता है, मेटलिक रॉड ना, तो एक रॉड आपका वॉल के एक एंड पर है, दूसरा दूसरे एंड पर ना। आप देखें जैसे विंटर में क्या होता है, ये आयरन रॉड क्या होती है, कोल होती है, ठंडी हो जाती है, जब ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा इसकी लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ क्या होगी कम ना, जब कम होगी तो आपकी वॉल को क्या करेगा, तो इसकी लेंथ तो फिक्स है यहाँ से टाइट कर दिया, तो क्या करेगा जब लेंथ इसका कम होगा तो कंट्रैक्ट होगा ना, लेंथ कम होगा तो अंदर तो ये इसके लिए आएगी ना, तो क्या होगा होता ये दोनों सपोर्ट को अंदर को खींचेगा, दोनों सपोर्ट क्या करेगा अंदर को खींचेगा ना। ठीक है, तो जनरली इसमें ये टेंशन क्रिएट हो जाएगा, इस कारण क्या होगा जैसे एक इंड यहाँ पर फिक्स है, एक इंड यहाँ फिक्स है, आपने इसको पुल किया इसके लेंथ कम है, कम मतलब यहाँ था अब इतना हो गया, तो ये तो भाग नहीं सकते है ना, क्योंकि वायर इसको फिक्स कर रखा है ना, तो रिजल्ट क्या होगा कि इसमें एक टेंशन जनरेट हो जाएगा अंदर की ओर, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा अंदर की ओर ना, जिससे हम क्या कहेंगे टेंशन कहेंगे। तो इतने तो जो फोर्स जनरेट होगा उतने फोर्स से वाल आपकी क्या होगी बताओ अंदर की ओर खींचेगी, अंदर की ओर क्या होगी खींचेगी ना, अगर वाल वीक होगी तो आपकी वाल गिर सकती है ना। ठीक है, इस तरह से अगर हीट करते हैं आप जैसे विंटर में हीट होगा, तो हीट होगा तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा ना, जैसे इसमें लीनियर थर्मल कंट्रैक्शन हो रहा है, कूल करने पर कंट्रैक्शन हो रहा है, हीट करने पर एक्सपेंशन होगा, तो लान में तो एक्सपेंशन होगा बाहर जाएगी रॉड ना, तो वाल को क्या करेगा मेरे सपोर्ट को क्या करेगा बाहर को पुश करेगा, एक्सपेंशन क्या करेगा बाहर को पुश करेगा ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर इसमें फोर्स जनरेट होगा तो वाल आपको गिर सकती है। ठीक है, तो कितना फोर्स इसमें जनरेट होगा वो चीज़ आपको निकालना, वही आपको क्या होगा टेंशन होगा, क्या हो जाएगा टेंशन ना। तो चलिए, तो इसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है ड्यू टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल कंडक्शन है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इसमें हो रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो चले निकाल लेते हैं, तो मानते कि अच्छा जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है तो इसमें क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यूज होगा, इसमें क्या यूज होगा बताओ मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यूज होगा ना। तो लेट योर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज अल्फा है, इसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कितना अल्फा, रॉड की लेंथ, रॉड की लेंथ इनिशियल लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ए लिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया है, आप इसको क्या करें रॉड को कूल कर रहे हैं टी से टी प्लस डेल्टा टी, टी माइनस डेल्टा टी कर रहे हैं, डेल्टा टी से कूल कर दे रहे हैं ना, जब कूल करिएगा तो इसमें कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा देन दिस रॉड पुल द सपोर्ट्स इन इनवर्ड डायरेक्शन ना, और हीट करिएगा तो एक्सटेंशन होगा, दिस रॉड पुश द वॉल इन आउटर डायरेक्शन ना, हीट करने पर पुश करेगा और पुल करने पर जो है पुल करेगा सपोर्ट क्या करेगा अंदर की ओर पुल करेगा ना, हीट करने पर क्या होगा सपोर्ट को बाहर की ओर पुश करेगा, तो कितने फोर्स से पुश या पुल करेगा ये निकालना मुझे। तो हम आते हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर टी है, इसको हमने डेल्टा टी से पुल कर दिया। ठीक है, तो इसके लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, मतलब इसका लेंथ जो है एल माइनस एल हो जाता है, एल माइनस एल इनिशियल लेंथ था अभी एल माइनस एल हो गया ना। ठीक है, तो लेंथ तो एल हो जाएगा
लेकिन सपोर्ट इसको अंदर जाने नहीं देगा ना, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन क्रिएट होगा इसे निकाल लेना। तो देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो होगा एक्सपेंशन, ये अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेंपरेचर, ये होता है ना, ठीक है। अल्फा क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहां से आपको क्या करना है, एल बाय एल निकालना है, क्या निकालना है, एल बाय एल। एल बाय एल क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू डेल्टा टी, अल्फा इनटू डेल्टा टी हो जाएगा। एल बाय एल क्यों निकाल लें, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होगा, स्ट्रेन होगा, क्या होगा, स्ट्रेन, है ना, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेन मिल गया, क्या मिल गया, स्ट्रेन, ठीक है। इसको आप थर्मल स्ट्रेन कह सकते हैं, दिस स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर, है ना, इसको हम थर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, है। तो चलिए थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपने किसके बराबर प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर के बराबर प्रूव कर दिया ना, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू ये हो गई। अब चलिए जब थर्मल स्ट्रेन है तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा थर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस ना, ठीक है। तो चलिए अब यंग लेट यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y, y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द रॉड ना, रॉड किसका बना होगा, जैसे आयरन का बना हुआ है, ठीक है, स्टील का बना है, कोबाल्ट का, निकल का, जिसका भी होगा उसका यंग मॉडुलस हम y लेते हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ये मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, वायर, ठीक है। तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होगा, यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन होगा ना, यहां पर आपका थर्मल स्ट्रेन बन रहा है, क्या बन रहा है, थर्मल स्ट्रेन बन रहा है, थर्मल स्ट्रेन बन रहा है, थर्मल स्ट्रेस बन रहा है, थर्मल स्ट्रेन जब बन रहा है थर्मल स्ट्रेस कहलाएगा ना। तो लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेस आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेस, चलिए थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स एट टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगा, l / l होगा ना, ठीक है। इस तरह से y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया आपका f, f हमारा क्या है, टेंशन है, f क्या है, टेंशन ना, तो टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और l / l हमने प्रूव कर दिया अपॉन टू डेल्टा t, अपॉन टू डेल्टा t लिख देते, ठीक है। यहां से y इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन a अल्फा डेल्टा t, ठीक है। यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, y a अल्फा डेल्टा t, तो दिस इज दैट टेंशन रिड्यूस्ड इन ए रॉड फिक्स्ड बिटवीन टू रिजेस सपोर्ट ऑन पुलिंग थ्रू टेंपरेचर डेल्टा t ना, अगर t पे ये बात देन ये क्या होगा, यहाँ पर आउटवर्ड पुल हो जाएगा, आउटवर्ड पुश हो जाएगा ना, और पुल कर रहे हैं तो इनवर्ड पुल हो जाएगा ना, इनवर्ड डायरेक्शन में पुल लगेगा, मैंने ये सपोर्ट को अंदर पुश खींचेगा, एक करेगा तो सपोर्ट को बाहर पुश करेगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी करिए, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ इलास्टिसिटी।